उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री व गोरखपुर मंडल के प्रभारी सुरेश खन्ना ने अन्य मंत्रियों के साथ सोमवार को नवीन महवा मंडी स्थित कान्हा उपवन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गायों को अपने हाथों से चारा खिलाया और उनके रखरखाव के अधिकारियों से जानकारी ली, जिसके संबंध में गोरखपुर मंडल के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कान्हा उपवन का निरीक्षण किया गया है और सभी गायों की स्थिति बेहतर है। यहाँ पर गोबर से कंपोस्ट खाद बनाई जा रही है, जो सराहनीय प्रयास है। इसलिए गौमूत्र की भी प्रयोग में लेकर फिनाइल बनाया जाए, जिसके लिए नगर आयुक्त को निर्देश दिया गया है कि 15 दिन के अंदर कार्य को शुरू कर दिया जाए। इस अवसर पर प्रदेश के जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटिक, अल्पसंख्यक कल्याण व मुस्लिम वक्फ बोर्ड के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी, नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के वित्त व संसदीय कार्य मंत्री व गोरखपुर मंडल के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, बाहर थोड़ा आ जाना हमारे दानिश साहब मेरे साथ आए थे और ये कटिंग साहब जो है अनुमति ले ली थी एक दिन के लिए हमारे यहाँ जो मन से वो वाक्यों से गौशाला मॉडल गौशाला होनी चाहिए था, क्योंकि गोमूत्र का इकट्ठा करने और ये गौशाला कोई बनाने के लिए आज गौशाला देख के हमें यहाँ पिकनिक करना आए हैं। अगर यह परिवर्तन नहीं हुआ, चाहे नाली बनाओ चाहे इनके ऊपर कोई चीज़ मांगो, गोमूत्र इकट्ठा करके गोबर इकट्ठा करके अभी मैं दिखाऊं तो गोबर वाला इकोनॉमिकली सस्टेनेबल बना उसे जो है तो कुछ केमिकल वेमिकल लगा देता है गोमूत्र। हम लोग इसे जो नायल वाला प्रोजेक्ट जो है अब तक कामयाब है, लेकिन सकते उसको चलिए वो आप पहले सुधार लाइन कर और नहीं तो आप फिनाइल बना के रखे रहोगे। और नगर निगम में ही उसको सर वो करने लगेंगे तो अगर आपको बाहर कहीं खरीदते हैं वो बचेगा। इलेक्शन प्लान शाम तक बना के दो, ठीक सर। इसकी नाली बनेगी, नाली जो है नहीं नाली बनाई और उससे उसके साथ आपको गोबर मिलता है। गोबर से आपको कंपोस्ट देती है, उसमें जितनी आपकी लागत आती है अगर उससे लागत नहीं आएगी गोबर से कंपोस्ट बनाने में उसका टाइम टेकिंग है उसका खर्च होता है। मशीन के गुट्टे बनते हैं जिससे डेड बॉडियाँ जलती हैं। इसे दक्ष के हमें एक हफ्ते नाली बनना आप नगर निगम के लिए बड़ी बात नहीं है, आप तो उसके हैबिचुअल इकट्ठा आए से इकट्ठा हो उसमें कायदे से वो इकट्ठा हो सके बहुत बड़ा इसके लिए वो मदद नहीं है। जब तक हम ऐसे बनने के करके चले जाएंगे तो कुछ होगा नहीं। बिल्कुल साल भर का हम एग्रीमेंट कर लेते हैं, टेंडर निकाल के सर पूरा कर लेते हैं। अब जो चूना चोकर और जो चोकर है सर खंडा है ये सब हम लोग साल भर का करते हैं। ये नहीं बीच मैं ना बताऊँ जो डिजाइन पर मूर्त कलेक्ट करने के लिए सबसे कैसे नाली लंबा गोबर बेचो चाहे उसको दो आइए पल्ला झाड़ लिया हम चौबीस घंटे ये रहते हैं।
देखा वाली हमारा काम, हमारा काम काम करता है, देखा वाली हमारा काम नीति बनाना, देखा वाली तुम उसको काम करो, काम तो रिजल्ट जो काफ़ी गाय ठीक है। एक जब इनकी एंट्री हो तो उसकी कंडीशन जरूर लिखी है, जब आए तो कंडीशन लिखी थी, उसके बाद कंडीशन आने के बाद ये रजिस्टर में कारण ऐसे उसमें एक पक्का था प्लानिंग जब तक नहीं होगा। हाथ जो है वो भारद्वाज पानी देना, ये देखिए ये सेवा भाव है योगी जी के जिले में। हमको सम्मानित किसी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान देखेंगे, ये अगर आप उनको सम्मान खाली दो आपके कोई गौशाला पड़ जाएगा, तो देखभाल बहुत जरूरी होती चीज है। और मूत्र और गोबर से ये इकोनॉमिकली सिस्टम है, अगर मूत्र रिसाइकिल हो गया चार यूज करेंगे सर थोड़ा सा अरे हाँ बढ़िया सर सर पीछे बहुत अच्छा सर 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 मंत्री जी मंत्री सर इधर सर जी काना उबन में आज गोवंश का निरीक्षण किया। इन गायों की स्थिति काफी बेहतर है, आप इधर आ जाइए। और यहाँ पर गोबर से जो कंपोस्ट बनाई जा रही है वो भी इनका बहुत सराहनीय प्रयास है, पर हम ये जरूर चाहेंगे कि गोमूत्र को भी ये अगर प्रयोग में लेंगे और उसकी फिनाइल या किसी प्रकार से उसको रिसाइकिल करवाएंगे या उसको इस्तेमाल करेंगे तो ये भी इस गौशाला के लिए बहुत बड़ा वरदान होगा। आज हमसे नगर आयुक्त ने कहा है कि 15 दिन के अंदर हम ये व्यवस्था लागू करेंगे। मुझे खुशी है कि बहुत अच्छे तरीके से और सेवा भाव से यहाँ पर गौशाला का संचालन हो रहा है।